बैक टू माय चैनल किचन ग्रुप्स ऑनलाइन। मैं हूं शिवांगी, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ थीम किटी पार्टी की। करवा चौथ बस आने ही वाला है, आई गेस इट्स राइट टाइम टू पुट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पांच गेम्स आपकी करवा चौथ थीम के लिए। एक तंबोला बताऊंगी, एक पंक्चुअलिटी बताऊंगी और तीन एक्टिविटी गेम्स बताऊंगी। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपकी पूरी करवा चौथ थीम की किटी पार्टी की तैयारी करा देगा, ठीक है। थोड़ा स्टार्ट विद द गेम, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा ड्रेस कोड और डेकोर के बारे में। तो करवा चौथ की थीम है, ज्यादा बताना मुझे नहीं पड़ेगा, ऑफकोर्स बहुत नई थीम नहीं है, ये सालों से करते आ रहे हैं। सो आप अपने घर को या अपने होटल को, होटल हॉल को डेकोरेट कर सकते हैं चुन्नियों से, साड़ियों से, सुहाग के सामान से, कुछ हार्ट के कटआउट्स बना दीजिए, कुछ चांद के कटआउट्स बना दीजिए, इन चीजों से आप डेकोर कर सकते हैं। ड्रेस कोड की जहां तक बात है तो वो भी क्वाइट ऑब्वियस है, रेड साड़ी, येलो साड़ी या फिर करवा चौथ में जैसे भी हम पूजा में तैयार होते हैं वैसे तैयार होने के लिए आप बोल सकते हैं मेंबर्स को। सो दिस इज लाइक क्वाइट कॉमन, इसमें कुछ नया करने को है नहीं। सो ये हो गया ड्रेस एंड डेकोर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपने गेम्स की बात। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पंक्चुअलिटी गेम। इस गेम में आपको क्या करना है कि आपको कोन्स बनवाने हैं, लेकिन उन कोन्स में मेहंदी की जगह डलवानी है रुई। रुई नॉर्मल वाली मत लीजिएगा, जो सॉफ्ट टॉयज की रुई आती है, फाइबर कॉटन बोलते हैं शायद उसको, बहुत सॉफ्ट होती है, वो वाली कॉटन लेना। और जो भी कोई मेहंदी के कोन बनाने वाले होते हैं उनको आप रुई दे देना कि मेहंदी की जगह रुई भर के आपको कोन बना देंगे। सो सपोज आपके किटी में 25 मेंबर हैं तो आप 24 रुई के कोन्स बनवाएंगे और एक मेहंदी का कोन बनवाएंगे। सारे कोन्स आप रख दीजिए एक बास्केट में, जैसे जैसे मेंबर्स आते जाएं उन सबको बोलिए एक एक कोन उठा लें। तो जिसके भी कोन में मेहंदी होगी उस लेडी को आप दे सकते हैं लकी लेडी या फिर पंक्चुअलिटी का गिफ्ट, क्योंकि मेहंदी और करवा चौथ का डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये गेम सूट करता है। सो ये हो गया हमारा पंक्चुअलिटी गेम। नेक्स्ट आता है तंबोला, बिकॉज तंबोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी गेम्स हम खेल लें तंबोला सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा तंबोला बना के रखा हुआ है, तो बिकॉज करवा चौथ इज ऑल अबाउट आर हस्बैंड्स, आर मैरिज, सो मैंने ये तंबोला बनाया है नेम्स तंबोला, जो कि बहुत सिंपल सा है। मैंने तीन इसमें कॉलम्स बनाए हैं, यहाँ मेरा नाम शिवांगी, राकेश मेरे हस्बैंड का नाम और पेशवानी हमारा सरनेम। तो ये जो तंबोला है ये हम नंबर्स के साथ नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे अल्फाबेट्स के साथ। होस्ट को क्या करना है कि उन्हें ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स की पर्चियां बना लेनी है और एक बोल में रख लेना है। अब आप ऐसी प्लेन टिकट्स बना के मेंबर्स को देंगे, मतलब एक शीट में सिर्फ तीन कॉलम्स बना के आप मेंबर्स को देंगे, नाम उन्हें खुद लिखने हैं। मैंने बहुत सिंपल सी बनाई है डेमो के लिए, आप थोड़ा कलरफुल कर सकते हो उसको, रेड कलर से बना सकते हो, हार्ट्स बना सकते हो, चांद बना सकते हो, मतलब जो भी आपकी क्रिएटिविटी जितनी है उतनी आप बना सकते हो इसमें। सो इस तरह से तंबोला की टिकट बन जाएगी। मेंबर स्टार्ट करेगा नंबर्स बोलना, अल्फाबेट्स बोलना। तो सपोज मेंबर ने सबसे पहले अल्फाबेट निकाला पी, तो मेरे पेशवानी में जो पी है मैंने वो काट दिया। फिर मेंबर ने बोला ए, तो मेरा तीनों में जहां जहां भी ए है मैंने वो ए काट दिया। इस तरह से जब भी किसी का, जैसे किसी का नाम पहले कट जाएगा तो उसे नाम वाला डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड इसमें हो जाएंगे तीन, मेरा नाम, सैया का नाम, हमारा नाम, ठीक है। इस तरह से तीन डिविडेंड हो जाएंगे। इसके अलावा आप रख सकते हैं हाउस, हाउस में आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारी फैमिली या हैप्पी करवा चौथ या कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हैं, जितने भी आपके हाउस आपको रखने आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये तंबोला खेलना है, समझ आ गया? कंफ्यूज तो नहीं है? अगर कंफ्यूज है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो दिस वॉज आर तंबोला फॉर योर करवा चौथ थीम। अब आते हैं एक्टिविटी गेम्स में। तो जो सबसे पहला एक्टिविटी गेम है वो आपको खेलना है तंबोला के नंबर्स के साथ। तो अब करवा चौथ हमारी शादी से रिलेटेड है ऑफकोर्स, तो इसमें हमें चाहिए अपनी एनिवर्सरी की डेट। इसमें मेंबर्स को क्या करना है, इंडिविजुअल गेम है, एक एक करके मेंबर्स आप बुलाएंगे, उन्हें ये बोल रखना है अपने सिर में और ऐसे करके नंबर्स निकालने शुरू करने हैं, नंबर्स देखते जाना है, होस्ट भी देखता जाएगा और मेंबर भी देखता जाएगा, इस तरह से नंबर निकालते जाने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कब तक नंबर निकालने हैं, एक एक करके ही नंबर्स निकालने हैं। तो ये आ गया नंबर 17 और 17 होती है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, तो मुझे तब तक इसमें से नंबर्स निकालने हैं जब तक कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी वाला नंबर ना निकल जाए। तो अब 17 से पहले मैंने जितने भी नंबर्स निकाले हैं ये हो जाएगा मेरा स्कोर, जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 नंबर्स मैंने निकाले हैं, तो मेरा स्कोर हो गया इस गेम का 13। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मेंबर्स तब तक अपने नंबर्स निकालते जाएंगे
जब तक कि उनकी एनिवर्सरी का नंबर ना आ जाए। हो सकता है पहले नंबर में ही आ जाए तो वो वहीं आउट हो जाए। सो इस तरह से आपको ये गेम खिलाना है एक एक मेंबर को बुला के, एंड ऑब्वियसली जिसका भी स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसको आप दे देंगे इस गेम का प्राइज। सेकेंड गेम जो है वो है रिटन गेम। रिटन गेम भी जरूरी होता है हमारी किटी पार्टीज में। नॉर्मली ऐसा ही होता है जब किसी को सिर्फ दो गेम्स रखने होते हैं तो एक रिटन और एक एक्टिविटी रखते हैं। सो ये रिटन गेम है, ये भी मैंने बनाया है यहाँ पे आपको। ये डेमो के लिए मैंने शीट बनाई हुई है, इसकी एक फेयर शीट मेरे ब्लॉग पे डली हुई है जिसका की लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो करना क्या है इस गेम में, आप देख लीजिए पहले इस शीट को। तो इसमें इस तरह से मैंने ये हार्ट बनाया हुआ है और मैंने बनाए हैं इसमें ये कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स हैं ये कुछ 16-17 कॉलम्स हैं और मैंने यहाँ लिखे हुए कुछ वर्ड्स। अब ये वर्ड्स मैंने सारे, ये जो कॉलम है यहाँ पे पहला वर्ड है प्यार, तो प्यार से ये दिल शुरू हो रहा है और आके करवा चौथ पे खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक मेंबर्स को क्या करना है कि एक मिनट में ये पूरे कनेक्टिंग वर्ड यहां से ढूंढ के लिखने हैं। जैसे प्यार, प्यार के साथ क्या है इश्क, तो नेक्स्ट आ जाएगा इश्क। फिर इश्क के साथ है रोमांस, तो इश्क के बाद आएगा रोमांस। अब रोमांस के साथ क्या है, रोमांस के साथ है किस, तो उसके बाद आ जाएगा किस। किस के बाद है संभोग। ऐसे डाल दिए मैंने ऐसे वाले वर्ड्स क्योंकि करना चाहती किटी है, थोड़ा सा फन तो चलता है ना, थोड़े नॉटी वर्ड्स डालेंगे तो थोड़ा मजा आता है। और संभोग के बाद थोड़ा सा और नॉटी वर्ड है, दैट इज चरम सुख। तो इस तरह से आपको कनेक्टिंग वर्ड्स यहाँ से ढूंढ ढूंढ के लेने हैं और एक मिनट का टाइम या आधे मिनट का टाइम जितना भी आपको सूटेबल लगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी मेंबर सबसे पहले ये पूरा हार्ट का ग्रेड कंप्लीट कर देगा उसको आप इस गेम का प्राइज दे सकते हैं। तो ये था हमारा रिटन गेम करवा चौथ थीम पे, ठीक है। नेक्स्ट जो गेम है हमारा थर्ड एक्टिविटी गेम, लास्ट गेम ऑफ दिस वीडियो। इसके लिए आपको चाहिए बैंगल्स काफी सारी और आपको चाहिए एक डाइस। इस गेम का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बट बिकॉज दिस इज अ वीडियो ऑफ 5 बेस्ट गेम्स फॉर करवा चौथ तो मैंने इसलिए इसमें भी डाल रही हूँ इसको। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको बैंगल्स लेके आनी है अलग अलग कलर की, सेम कलर की जैसी भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और सारे मेंबर्स को आपको बिठा देना है एक सर्कल में। नॉर्मली हम लोग किटी पार्टीज में सर्कल में ही बैठते हैं, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, सर्कल में बैठते हैं। तो अब इसमें करना क्या है कि आप हर मेंबर को 8-8 या 10-10 चूड़ियां दे देंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास चूड़ियां आ गई मेरी और सब मेंबर सर्कल में बैठे हैं। रैंडमली किसी से भी स्टार्ट करेंगे, सपोज मैं गेम स्टार्ट कर रही हूं, मैंने घुमाना है डाइस। अब मेरा इसमें आया नंबर 5, तो मुझे 5 चूड़ियां जो है अपने बगल वाले मेंबर को दे देनी है, ठीक है। अब ये डाइस मेरी नेक्स्ट मेंबर चलेगी, सपोज उसने डाइस चला और उसका आया 2, तो वो अपनी चूड़ियों में से 2 चूड़ियां उठा के अपने नेक्स्ट मेंबर को दे देगी। फिर ये डाइस भी नेक्स्ट मेंबर के पास जाएगा। इस तरह से ये डाइस पूरे गोल चक्कर में घूमेगा और जितना जितना भी नंबर आपका आता जाएगा उतनी उतनी चूड़ियां आप अपने बगल वाले मेंबर को देते जाएंगे। तो पूरा जब राउंड हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मेरे तक वापस आ जाएगा, राउंड खत्म हो जाएगा, तो जिस मेंबर के पास सबसे ज्यादा चूड़ियां होंगी उस मेंबर को आप बना देंगे करवा चौथ की क्वीन, मतलब इस गेम की विनर। सो ये था मेरा थर्ड एक्टिविटी गेम। तो ये थे मेरे 5 बेस्ट गेम्स आपकी करवा चौथ थीम किटी पार्टी के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा इन गेम्स को देख के। देख के तो क्या ही मजा आएगा, लेकिन हाँ जब आप खेलेंगे किटी में तो आपको मजा आएगा। एंड यस, आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आपकी करवा चौथ थीम किटी पार्टी करने में। सो या दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे, डू गिव मी अ बिग फैट थम्स अप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिफोर यू लीव। सी यू टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव लव। शो पे आप फैशन और होम प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप पे बेचकर कमा सकते हैं। ऐप खोलते ही आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैटलॉग दिखेंगे जो कि हम इंडिया के बेस्ट सप्लायर से लाते हैं। आपको जो भी कैटलॉग पसंद आता है आप उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। कैटलॉग शेयर करने के बाद आपके कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट का प्राइस पूछेंगे। अब आगे क्या करना चाहिए, पेमेंट ऑप्शन चूज करें और फिर डिलीवरी एड्रेस ऐड करें। अब अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें। पहले अपनी टोटल कॉस्ट का हिसाब लगाएं। टोटल कॉस्ट पता करने के लिए ऐप पर दिए गए प्रोडक्ट प्राइस और शिपिंग चार्जेस को ऐड करें। टोटल कॉस्ट पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें। आप जितना चाहे उतना मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, अभी डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप और बन जाइए एक बिजनेस वुमन घर बैठे।